मैं अभी बैठा हूँ एक फोर्ड F-150 शेल्बी सुपर स्नेक स्पोर्ट, फोर्ड F-150 शेल्बी सुपर स्नेक और स्पोर्ट, यानी छः नाम तो हो गए, छः लफ्ज़ हो गए इसके नाम में। तो क्या है ये सर? मैं यहाँ पे रोशनी बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता हूँ आपको दिखाने के लिए। पहले मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, सही तरह से खोलता हूँ। हाँ एक सेकेंड, ठीक है, अब इसकी लाइट ऑन हुई है। ठीक है, बेसिकली ये है इसका इंटीरियर। यहाँ पे स्टीरिंग व्हील, खूब सारे बटन्स हैं, सिलेक्शन बटन्स हैं और स्क्रोलिंग के लिए भी बटन्स हैं। ये इसकी पूरा डैशबोर्ड है, डायल्स है इसके अंदर, छोटी सी LCD स्क्रीन है और छोटी छोटी जो है वो ऊपर भी यहाँ पे डायल्स हैं। ये इसका कंप्यूटर सिस्टम है, AC ग्रिल्स हैं, मीडिया के सारे बटन्स हैं, रेडियो ट्यूनिंग के सारे नॉब्स हैं यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे सारे AC के सारे बटन्स हैं। बेसिकली ये एक फोर्ड का पिकअप ट्रक है, जो कि फोर्ड ने कहा कि क्यों ना हम पिकअप ट्रक को स्पोर्ट्स का बना दें, उसको बिठा दें और उसको स्पोर्टी बना दें और उसके इंजन को इंतहा ज़्यादा पावरफुल बना दें। शायद फोर्ड खुद भूल गए कि वो सुपर कार बनाते हैं मसल कार के अलावा। मसल कार में तो उनकी फोर्ड मस्टैंग आती है, सुपर कार में उनकी फोर्ड GT आती है। फोर्ड GT में भी मैं बैठा हूँ और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको लाइट अगर ऑन हो जाती है, अभी किसी तरह से नहीं लाइन उठनी आ रही, मगर यहाँ पर आपको इसका बैच नज़र आएगा, उस पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, फोर्ड F-150 सुपर स्नेक स्पोर्ट, ये पूरा नाम है इसका। कैरल शेल्बी जिसने ये कंपनी शुरू की थी, इस शेल्बी की उसका सिग्नेचर भी है। तो ये एक लिमिटेड एडिशन मॉडल है और इसकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, या इसकी सीट पे भी जो है वो उसका लोगो स्टिच हुआ हुआ है। काफ़ी बड़ा उसका आर्मरेस्ट है यहाँ पे बीच में, और ये आर्मरेस्ट भी बल्कि एक तीसरी सीट है, ये फोल्ड होके खुल जाती है तो आप बीच में भी आप पैसेंजर बैठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई गियर लीवर नहीं है। गियर लीवर इसका जो है वो स्टीयरिंग व्हील के साथ है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको, खैर इंटीरियर तो इसका अच्छा है, मगर अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये बहुत एहतियात से मुझे खोलना पड़ेगा दरवाज़ा, क्योंकि बराबर में है एक रोल्स रॉयस, मैं नहीं चाहता कि उसको टच हो। इस तरह से मैं पतली सी जगह से घुसा था, उसी तरह से मैं निकलाऊँगा, निकलाऊँगा ज़बरदस्त। ओके, तो ये है इसका एक्सटीरियर, और ये एक स्पोर्ट्स कार ट्रक नुमा चीज़ है ये। अभी आपको दिखाता हूँ इसको बाहर से। फ्रंट इसका काफ़ी अच्छा है, फ्रंट मुझे पसंद है। अच्छा, ये है इसका फ्रंट, ये हेडलाइट्स इसके ऑन है अभी, बंद हो गई। तो पूरा शेल्बी का किट है इसका, पूरी ग्रिल बम्पर सब शेल्बी का अपना है। शेल्बी बेसिकली एक कंपनी है जो कि फोर्ड की गाड़ियों को मॉडिफाई करती है। कि यहाँ से हवा भी अंदर अंदर जाने की जगह है, क्योंकि इसमें इंजन काफ़ी पावरफुल है। यहाँ पे आपको इसका लोगो भी नज़र आएगा, शेल्बी स्नेक भी है इसका। 770 हॉर्स पावर, यानी 770 हॉर्स पावर का मतलब है ये अवेंटाडोर SVJ के बराबर है उसकी हॉर्स पावर। मगर ज़ाहिर है क्योंकि ये ट्रक है, भारी है, ऊँचा भी है, ये ज़्यादा अवेंटाडोर SVJ की तरह तो तेज़ नहीं होगा, मगर ये कि फिर भी मसल कार ट्रक नुमा गाड़ी है। ऐसी बहुत कम होती हैं अभी जो इतनी स्पोर्टी हो। शेल्बी के और भी मॉडल्स हैं F-150 के, मगर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है। देखिए इसकी पूरी डिग्गी कवर की हुई है, हल्का सा स्पॉइलर भी दिया हुआ है इसके अंदर, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ आज। एग्जॉस्ट पाइप भी यहाँ साइड में दी हुई है, पीछे की तरफ नहीं। ये इसकी व्हील्स हैं, इसमें ब्रेक्स भी हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। काफ़ी स्पोर्टी गाड़ी है। यहाँ पर आते हैं तो ये इसका पीछे का हिस्सा है, इसका हैंडल देखें कितना बड़ा है। डिग्गी खोल रखा है, अभी नहीं खोलूँगा ये सीटी की, फिर वो इस पेंटले पे जो है वो गिर जाएगी। तो देखें कितना बड़ा बड़ा F-150 इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, फोर्ड की मस्टैंग, फोर्ड GT सुपर कार, फोर्ड की कोई सी भी गाड़ी, फोर्ड की F-150 ही जो नॉर्मल मॉडल है उसकी वीडियो आपको देखनी है तो उन सब की लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी। अगर आपको और कोई किसी गाड़ी जैसी रोल्स रॉयस है या एस्टन मार्टिन है और यहाँ पे चंद फरारी और लैम्बोर्गिनीज हैं, इन सब की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा। और हाँ, इससे भी पावरफुल एक और पिकअप ट्रक है जो मैं देखने आया था आज,
जो इससे भी बड़ा है वो है ये मर्सिडीज़ का ब्रापस 800 XLP एडवेंचर। इसकी वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, फुल रेड इंटीरियर इसका। और ये बेसिकली ब्रापस ने क्या किया, एक जी क्लास ली, ये नॉर्मल इस तरह से जी क्लास ली और उसको मॉडिफाई करके पिकअप ट्रक बना दिया। तो वो ये है, इसकी भी वीडियो अलग है, वो भी ज़रूर देखेगा जाके मेरे चैनल पे। अगर आपको मर्सिडीज़ का सिक्स व्हीलर पसंद है तो वो भी वहाँ पीछे है, वो तो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। वो भी पिकअप ट्रक है, छः पहियों वाला, शायद नज़ारा हो आपको, उसके बीच में से आता हूँ ये रहा। ये तो इसका कलर इतना खूबसूरत है, बस ये इतना कंजेस्टेड हुआ खड़ा हुआ है अभी क्योंकि शोरूम में काम हो रहा है कि मैं आपको उसको सही तरह से दिखा नहीं सकता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इसकी वीडियो अलग है। बाकी इस तरह के कलन लैम्बोर्गिनी यूरोस मर्सिडीज़ में बैक एक और ब्रापस, तो हाँ एक और बल्कि ये भी है, एक और दूसरा ब्रापस यहाँ पे छः पहियों वाला, तो इन सब की वीडियोस अलग है मेरे पास। BMW i8 भी है, इसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, तो इन सब की वीडियोस ज़रूर ज़रूर जाके देखिएगा।